इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉल छात्रावास को आज पूरी तरह से खाली कराया गया, जिसे लेकर सुबह से ही छात्रावास में भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात किए गए थे। वहीं छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तमाम छात्र नेता विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इसके चलते पुलिस को हॉस्टल खाली कराने में दिक्कत आ रही थी। काफी दिनों से हॉस्टल को खाली कराने की तैयारी की जा रही थी। घंटों तक पुलिस बल और छात्रों के बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद छात्रों को उग्र होते हुए देख पुलिस प्रशासन छात्रों पर बल का प्रयोग करते हुए छात्र नेता सत्यम कुशवाहा, आदर्श सिंह भदौरिया, इंद्रजीत मौर्या और अनुराग यादव को पुलिस वैन ने बैठाकर कर्नलगंज थाने ले गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन सभी कमरों के सामान को खाली कराकर ताला मार दिया और हॉस्टल की बिजली भी काट दी गई। यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि मैं कतई नहीं चाहता था कि हॉस्टल को इस स्थिति में ले जाना पड़े, लेकिन मैं 20 दिसंबर 2022 को यहाँ चार्ज लिया। उसके बाद मैंने देखा कि विगत चार वर्षों में किसी ने कोई शुल्क जमा नहीं किया छात्रावास का। बिजली का बिल करीब 10,57,00,000 रुपए बाकी है। लगातार नोटिस डिपार्टमेंट से आ रहा है और उसको भी सेटल करने की बात है, लेकिन जब तक पैसे नहीं होंगे सोर्स ऑफ इनकम केवल लड़कों की, जो बच्चे विद्यार्थी यहाँ रहते हैं उनकी फीस से ही है ज़्यादातर। अब वो फीस ही चार साल से नहीं आई, करीब 2 करोड़ रुपये करीब तो फीस ही नहीं आई और बिजली लगातार उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन का दबाव है लगातार कि आप किसी भी स्थिति में कम से कम 20 लाख रुपया जमा करें। उसी के तहत मैंने लगातार कोशिश की लोगों से कि लोग शुल्क जमा कर दें ताकि वह भी सुरक्षित रहें और ये छात्रावास भी सुरक्षित रहे। यहाँ पर कितने पूरे कमरे हैं और कितने बच्चे अवैध रूप रह रहे थे, कितने रूप अवैध? करीब 125 कमरे हैं टोटल मिला के और 250 की स्ट्रेंथ है, 250-55 के आसपास, और जो फीस जमा किए हैं मात्र 25 लोगों ने। इससे कितने रह रहे थे, कितने वर्तमान में रह तो रहे हैं, अगर सब देख लिया जाए 260-270 के आसपास रह रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कि पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, कहीं नेतागिरी कर रहा है, कहीं कोई वकालत कर रहा है, कहीं कोई ठेकेदारी कर रहा है, या उसके अलावा तमाम और धंधे जो हैं आए दिन छिनैती डकैती सब होती रहती है। अभी आपने देखा होगा कि प्याज लूट लिया तो लहसुन लूट लिया, क्या क्या होता है। छात्रों की शिकायत है कि यहाँ पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, अचानक इस तरह से हम लोग कहाँ जाएंगे, कई छात्रों का एग्ज़ाम है, कई लोगों का इस तरह से दूर दूर से है, कैसे एक्चुअली कोर्ट ने ओरली इंस्ट्रक्ट किया कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, कि कोई भी सूचना किसी को नहीं दी जाएगी। जो इलीगल अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है उनको सूचना देने की आवश्यकता है, और जब सुप्रेंट ने उनको नोटिस दे दिया बार बार कि आप फीस जमा करिए, अपने को लीगलाइज करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, जब कोई रिएक्शन नहीं है तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन जो है हॉस्टल ही मिलती है। अब फिर से कभी से छात्रावास में दाखिला कर 101 बच्चों का दाखिला मैंने किया हुआ है। चूँकि हॉस्टल में कमरे नहीं दे पा रहे थे इसलिए बच्चे टर्न अप नहीं हुए, केवल 17 बच्चों ने फीस डिपॉजिट की। तो मेरे ख्याल से जैसे ही उनको ये सूचना मिलेगी कि हॉस्टल वेकेट हो गया तो आएंगे। पूरा हॉस्टल खाली करा रहे हैं? हाँ पूरा हॉस्टल नहीं, वो 25 लोगों को छोड़ करके ये हॉस्टल खाली हो रहा है। बिजली भी काटी जा रही है? नहीं, बिजली तो जैसे ये कोर्ट है ना, इसमें अलॉटमेंट नहीं होगा तो इस कोर्ट की काट देंगे। शनिवार को बड़ी संख्या में फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी हॉस्टल खाली कराने पहुंचे तो अंतःवासियों में अफरा तफरी मच गई। छात्र इसका विरोध करने लगे। वहीं बड़ी संख्या में छात्र नेता पहुंच गए और इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई का विरोध कर रहे छात्र नेता सत्यम कुशवाहा समेत 3 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है।